नमस्कार द नगरी न्यूज की खास पेशकश दिनभर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं ही हूँ सुनील कुमार। चलिए रुक करते हैं आज दिनभर की खबरों के साथ। हरियाणा में जितने भी कयास लगाए जा रहे थे उससे ठीक उलट हरियाणा में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। चाहे भाजपा को हरियाणा में जीत हासिल हुई हो लेकिन राजस्थान की भाजपा में बदलाव की सुबगहाट शुरू हो चुकी है। सतीश पूनिया जिनको राजस्थान विधानसभा चुनाव में चाहे हार मिली हो लेकिन जब हरियाणा में भाजपा का प्रभारी बनाया गया तो उनकी रणनीति ने बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद अब कयास शुरू हो गए हैं। सतीश पूनिया को आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी से सम्मानित किया जा सकता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने में लगे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम के पार्षदों से मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि चाहे विधायक हो या मंत्री, सभी मुख्यमंत्री दुखी हैं लेकिन सबसे ज्यादा दुखी प्रधानमंत्री है, इसलिए खुश रहो और जिंदगी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद आज राजस्थान के दिग्गज नेता कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन लगभग सभी दिग्गजों की प्रतिक्रिया सामने आई लेकिन अब भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा है। राठौड़ ने यहाँ तक कह दिया कि कुछ सीटों की जीत खुशी में वो भूल गए कि उनको मुकाबला भाजपा से है, इसलिए दम भरने से पहले सामने वालों की ताकत को कमजोर नहीं मानना चाहिए। राजस्थान में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से दिन में गर्मी अपना असर दिखा रही है तो वहीं रात को गर्मी से हल्की राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पूरी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश सरदार शहर में 25 mm दर्ज की गई। इसके साथ ही राज्य में अधिकतम तापमान जालौर में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन रखा गया। विद्युत भवन परिसर के बाहर प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंताओं ने एकजुट होकर धरना दिया। एमएससीपी की विसंगतियों और अन्य लंबित मांगों को लेकर कनिष्ठ अभियंताओं में आक्रोश है। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राहुल वर्मा ने बताया कि एमएससीपी और अन्य लंबित मांगों का जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो अभियंता दिवाली से पहले जा सकेंगे अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर। जिला परिषद हनुमानगढ़ की साधारण सभा की बैठक महज खाना पूर्ति बनकर रह गई। जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला परिषद के अधिकतर सदस्य नहीं पहुंचे और मात्र 10 सदस्य ही बैठक में मौजूद रहे। वहीं जिले के 5 विधायकों में सिर्फ पीली बंगा विधायक विनोद गोठवाल बैठक में मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों से ज्यादा अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील ने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई और कहा कि समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है और अधिकारी कागजी खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। ऐसे में ना तो काम हो रहे हैं और ना ही अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो रही है। एसआई भर्ती परीक्षा के फैसले पर अब महज कुछ ही समय बचा है। आपको बता दें एसआई भर्ती की जांच के लिए बनी कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है तो वहीं दूसरी बैठक 10 अक्टूबर को फिर से होगी। 10 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भर्ती के भविष्य पर मुहर लगने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है क्योंकि पहली बैठक के बाद कमेटी संयोजक जोगाराम पटेल ने इसी सप्ताह बड़ी खबर सामने आने की बात स्वीकार की थी। इसके साथ ही एसओजी की रडार पर करीब 300 ज्यादा ट्रेनी एसआई हैं। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि कल इस भर्ती पर अंतिम मुहर लग सकती है। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती और रामगिरी बाबा पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति और गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती और रामगिरी बाबा देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने में लगे हुए हैं और दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि देश में अमन चैन कायम रहे। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी इस समय जिले की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटी है लेकिन अब शहर की सफाई के साथ ही समाज की सफाई का बीड़ा भी जिला कलेक्टर ने उठा लिया है। सफाई अभियान के दौरान प्रशासन द्वारा एक स्पा सेंटर पर छापा मारा गया जहां अनैतिक कार्य करते हुए युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस स्पा सेंटर की लगातार प्रशासन को शिकायत मिल रही थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब टीना डाबी ने इस सफाई का जिम्मा खुद उठाया है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अब बीजेपी नेता कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति और भाषा के आधार पर बांटती है लेकिन अब मुस्लिमों
जातियों के बारे में बात नहीं करती। आज 85% पसमानंद समाज के उच्च जाति वर्ग के मुसलमानों द्वारा भारी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इस वास्तविकता के बारे में बात नहीं करना चाहती। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें, कल फिर से रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।